साथियों, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक के सिस्टम चलाते हैं उनके लिए मैं जो है आज मार्फो सेटिंग के लिए एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को देख करके आप भी अपने कंप्यूटर में यानी सिस्टम में मार्फो की डिवाइस हो या मंत्रा की डिवाइस हो, इसे आप आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करना हालांकि इतना आसान नहीं होता है नए लोगों के लिए, जो भी नए सेसवी संचालक हैं जो पहली बार सेटिंग करते हैं, लेकिन जब सेटिंग एक बार दो बार आप कर लेते हैं उसके बाद ये प्रोसेस बहुत ही आसान और इजीली हो जाता है। तो साथियों, सबसे पहले तो फर्स्ट काम आपका ये है कि जो भी लोग इंस्टॉल कर रहे हैं उनके पास दो तरह के कंडीशन होते हैं। पहला ये होता है कि उनका लैपटॉप फॉर्मेट होता है या नया लैपटॉप होता है, उनमें कोई भी सॉफ्टवेयर अभी तक डाउनलोड मार्फो या मंत्रा सेटिंग की नहीं होती है उनके लिए, या वो लोग हैं जो दूसरे कंपनियों में काम करते हैं उनके में पहले से मार्फो या मंत्रा की सेटिंग पहले से है उनके लिए। तो साथियों, जो लोग का नया लैपटॉप है यानी फॉर्मेट हुआ लैपटॉप है या नया लैपटॉप है उनके लिए कहीं और कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग दूसरे कंपनी का मार्फो या मंत्रा की सेटिंग किए हुए हैं सबसे पहले हुआ अपने कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल पर जाएंगे। कंट्रोल पैनल पर जाने के बाद जो है प्रोग्राम एंड फीचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर जो है ये देखेंगे कि यहाँ पर मंत्रा की डिवाइस कहीं इंस्टॉल तो नहीं है। अगर यहाँ पर मंत्रा की कोई भी डिवाइस अगर आपको इंस्टॉल यहाँ दिखती है या मिलती है तो आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। मार्फो की है तो मार्फो के सारे डिवाइसों को आपको यहाँ से अनइंस्टॉल करना है, यानी सबको पहले आपको यहाँ से हटा देना है। ये सबसे पहला काम आपका होगा। इसके बाद जो है जब आप इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो आप चलेंगे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए। यहाँ पर देखिए इजीली लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं लिंक पर, लेकिन चूँकि आप फिनो पेमेंट का सिस्टम चलाते हैं तो कैसे आप वहाँ पर जाएंगे मैं पर जो है आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैं जो है फिनो पेमेंट बैंक का एक पोर्टल लॉगिन कर रहा हूँ और जिस तरह से प्रोसेस होता है उस तरह से मैं करके आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्टॉप टू स्टॉप जो है आप आगे बढ़ेंगे। देखिए इस तरह से जो है आपका पोर्टल खुलता है। सबसे पहले फर्स्ट पेज इस तरह से खुलता है। अब आपको यहाँ पर अपनी आईडी लॉगिन करनी होती है, जिनके पास भी आईडी है वो लॉगिन करेंगे आईडी। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे या इंटर दाबेंगे, इंटर दाबते ही आपको लॉगिन पेज पर यहाँ जाएगा। अब साथियों जो है आपके सामने देखिए एक पेज खुल गया है। अब इस पेज पर देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन में दिखाई रही हैं। यहाँ पर यूजर नेम लिखा हुआ है, उसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलेबल वर्ल कीबोर्ड, यानी जिनको यहाँ से कीबोर्ड का उपयोग करना है उनके लिए है। अनब्लॉक नाउ, अनब्लॉक बायोमेट्रिक, नीचे देखिए दिया हुआ टेस्ट बायोमेट्रिक पिन पैड एंड कैमरा। तो आपको सबसे नीचे वाले पर यहाँ पर क्लिक करना है। मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको वहाँ तक पहुँचने में कोई भी परेशानी ना हो। अब आपको यहाँ क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते ही देखिए ऑप्शन आपका चेंज हो गया और अब देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने जो पेज खुल करके आया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से क्या आपको उपयोग करना है मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो है यहाँ पर आप मंत्रा अगर का डिवाइस है तो मंत्रा, और मार्फो का अगर है तो डाउनलोड आईडी सर्विस मार्फो। आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे वैसे ही जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद और भी आगे हमको इस पेज पर आना पड़ेगा दोबारा। अगर आप ये डाउनलोड करके रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखे हुए हैं तो देखिए जो है, देखिए मैंने यहाँ पर मार्फो को क्लिक किया और देखिए डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे जो है कहीं डाउनलोड कर लेता हूँ, उदाहरण के तौर पर मैं अपने डिवाइस में डाउनलोड इसे कर ले रहा हूँ क्योंकि हमको इस भी इसकी आवश्यकता है। देखिए डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया।
छोटी फाइल होती है, नेट अगर सही चल रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा 1 से 2 मिनट में यह डाउनलोड हो जाता है। अब जैसे ही आपका डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद हम उसे रन करेंगे, उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने जो है इस चार्ट के माध्यम से भी जो है आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए जो है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है। इंस्टॉल हो जाने के बाद ध्यान देने वाली जो यहाँ पर मुख्य बातें हैं इसको डाउनलोड करना। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये एक तो मार्फो ड्राइवर है, दूसरा होता है देखिए यहाँ पर मार्फो RD। यही पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फंस जाते हैं और अपने सेटअप को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो है आप इस सॉफ्टवेयर को रन कराएंगे, ऊपर वाला मार्फो ड्राइवर को, उसके बाद उसके नीचे वाला जो है मार्फो RD सर्विस को भी आपको रन कराना है। रन कराने के बाद जो है जब ये कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर देखिए एक फिनो होस्ट इंटरव्यू दिया हुआ है, इसको भी आपको ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक प्रोसेस आप पूरा करेंगे, दोनों को रन कर लेंगे। रन करने के लिए जो है देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कैसे कैसे आप जो है रन करते हैं। ओपन पर जाते हैं, ओपन करने के बाद जो है यहाँ रन पर क्लिक करते हैं और पूरा प्रोसेस जो RD सर्विस को आपका कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद जो है मार्फो की सेटिंग के लिए देखिए आप यहाँ पर फिनो पेमेंट बैंक .in/111000 को जो है आपको अपने ब्राउजर पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ पर आप एडवांस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद नीचे देखिए इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है देखिए यहाँ पर इनेबल डिसेबल मांग रहा है। जैसे ही आप इसे डिसेबल करेंगे वैसे ही आप ये काम करना वर्क करेगा, अन्यथा ये वर्क नहीं करेगा। सबसे बड़ी सेटिंग आपकी यहीं पर होती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे डायरेक्ट ब्राउजर में खोल लूँ, सेटिंग कर लिए हैं उसके बाद, तो आपको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है *allow-insure-location-host जो है आप डायरेक्ट लिख करके भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसको आपको डिसेबल करना ही होगा। करने के बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए हैं वो ये है कि इसके बाद आपको अगर मंत्रा का आपका डिवाइस है तो मंत्रा डिवाइस कैप्चर्स देखिए डिटेल्स इन चीज़ों को आपको चेक करना है। जब तक आप मंत्रा BF कैप्चर पर क्लिक करेंगे और यह आपकी डिवाइस की लाइट नहीं जलेगा, फिंगर नहीं लेगा, तब तक आपका इंस्टॉलेशन अधूरा है। तो इस चीज़ों को भी आपको यहाँ पर इसे करना होता है। इसके अलावा मंत्रा का जो है सर्विस मार्फो हम बात कर रहे हैं, मार्फो का जो है जो होस्ट फाइल होती है उसे भी आपको जो है डिटेल्स में अपने सी ड्राइव में जा करके सही करना होता है। तो होस्ट फाइल आपको कहाँ मिलती है मार्फो को, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उस पर बता दे रहा हूँ। अपने कंप्यूटर खोलेंगे, कंप्यूटर के सी ड्राइव में जाएंगे, लेकिन मित्रों मैंने तो इंस्टॉल किया नहीं है इसलिए हमारे में चीज़ तो दिखाएगी नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। तो आप इसे खोल करके यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ आपको जो है मंत्रा का होस्ट फाइल आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आप जो है यहाँ से नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मार्फो डिवाइस के लिए RD सेटअप इंस्टॉलेशन प्रक्रिया वेब उपकर्ताओं के लिए जो है यहाँ पर एक कंप्लीट हो जाता है और आपका डिवाइस वर्क करना स्टार्ट कर देगा। साथियों अगर ये वीडियो को आप देखते हैं और प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका मार्फो काम करना तो साथियों ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर भी करिएगा। साथियों नमस्कार।